लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ऑफ एक्सरसाइज 4B, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाई यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता था, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है उससे डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को. तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 8, अबव इक्वेशन बाय 8, तो ये आ गई 8x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 14 एक्स अपॉन 8 माइनस 15 अपॉन 8 इक्वल्स टू जीरो. तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया. ये देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, दैट्स इट. अब देखिए ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4x माइनस 15 अपॉन 8 इक्वल्स टू जीरो. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, एक्स के साथ जो कॉफिशियंट है उसको हाफ करना. तो 7 अपॉन 4 को हमने हाफ किया, नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया. तो ये आ गया 7 अपॉन 4 इंटू 1 बाय 2. अगर आपको मेरे क्वेश्चंस इजीली नहीं मिल पाते तो प्लीज़ आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाके क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. प्लीज़ उसको चेक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें. तो ये आ गया 7 अपॉन 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4x प्लस का 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 8 इक्वल्स टू जीरो. प्लस माइनस हमने फॉर्मूला लगाने के लिए किया है, अदरवाइज इसका इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब क्या आ गया, हमने सिंपली इसको ले लिया, राइट. तो ये आ गया, ये हमारा यहाँ पे एक्स के साथ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा. एक्स माइनस क्या लिखेंगे, बी, यहाँ जिसका स्क्वायर किया हुआ है. तो आ गया 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 8 इक्वल्स टू ज़ीरो. अब क्या आ गया, एक्स माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64. आगे क्या लिखेंगे, माइनस 15 अपॉन 8 इक्वल्स टू ज़ीरो. तो अब ये दोनों डिजिट राइट हैंड साइड चली जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी. तो ये आ गया एक्स माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 अपॉन 64 प्लस 15 अपॉन 8. तो एक्स माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 आया हमारा LCM. तो ये आया 49 प्लस 8, 8 जा 64 होता है तो 8 की मल्टीप्लाई हो गई. तो ये आ गया एक्स माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 15 8 जा इज 120 अपॉन 64. तो ये आ गया एक्स माइनस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 6 एंड 1 अपॉन 64. अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ गया हमारा एक्स माइनस 7 अपॉन 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 64. अब हमें पता है 169 हमने अपनी पास्ट क्लासेस में देखा है कि 169 13 का स्क्वायर रूट होता है. 13 13 इज 169, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे स्क्वायर रूट प्लस माइनस. 13 का स्क्वायर रूट है और 64 8 का स्क्वायर रूट है. तो अब बस सॉल्व कर लेते हैं इसके रूट्स को. 7 अपॉन 8 को एक बार प्लस के 13 अपॉन 8 के साथ रखा,
एक बार x माइनस 7 अपॉन 8 को माइनस के 13 अपॉन 8 के साथ रखा, तो ये कितना आया, x इक्वल्स टू 13 अपॉन 8 माइनस का 7 अपॉन 8 उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 8 LCM 13 प्लस 7, तो x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 8, और वी कैन से दैट 4 टू ज 8, 4 फाइव ज 20, 5 अपॉन 2 आ गई, और ये देखिए x इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 8, तो x कितना आ गया, LCM लिया 8 माइनस का 13 प्लस का 7, तो x आ गया माइनस 6 अपॉन 8, तो देखिए 2 थ्री ज 6 और 2 फोर ज 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 अपॉन 4, तो हमें पता चल गया कि x के कौन कौन से दो रूट्स हैं, 5 अपॉन 2 एंड माइनस 3 अपॉन 4 इज द आंसर। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं। ये है हमारा 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो वही सबसे पहला रूल कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है उससे पूरी एक्सरसाइज पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 7, तो ये कितना आ गया, 7x स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 3x अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 7x माइनस 4 अपॉन 7। तो x के साथ जो कॉफिशेंट है 3 अपॉन 7 उसका हाफ करेंगे, तो 3 अपॉन 7 का हाफ किया और ये आ गया ये हमारा 3 अपॉन 7 इंटू 1 बाय 2। ये कैसे आया ये आप मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख सकते हैं। तो हमने ये आ गई थी इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 7x माइनस और प्लस कर देंगे एक बार स्क्वायर से, तो 3 अपॉन 14 का होल स्क्वायर प्लस किया एक बार माइनस किया, तो माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमने बिना कुछ कहे इसके पेयर्स बना लिए, तो ये आ गया x, यहाँ पे x के कॉफिशेंट के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और b में क्या आ जाएगा 3 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 14 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर खोल देती हूँ, 3 3 इज़ अ 9 एंड 14 इंटू 14 इज 196, आप चाहें तो इधर करके देख सकते हैं, 14 14 इज 4 4 इज 16, 4 1 इज 4 एंड 5 4 एंड 1, तो ये देखिए 196 आ गया माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो हमने किया x प्लस 3 अपॉन 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 196 196 प्लस 4 अपॉन 7, यस। अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आया x प्लस 3 अपॉन 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 196 और 7 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा, 7 से जा सकता है, 7 टू ज़ 14 15 16 17 18 19 56 7 8 ज़ 56 7 1 ज़ 7, तो ये 196 ही आ रहा है एलसीएम, तो ये 9 आ गया प्लस 7 इंटू 28 7 इंटू 28 इज़ 196, तो 4 में 28 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया x प्लस 3 अपॉन 14 का होल स्क्वायर
equals to 9 plus 4 8s is 32, 3 carry, 4 2s 8, 9 10, 11 upon 196. तो ये आ गया x plus 3 upon 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 10 11 2 एंड 1 अपॉन 196. अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर हटाएंगे, जो ये वाला स्क्वायर है वो हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा उधर जाके, स्क्वायर रूट प्लस 3 अपॉन 14 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन 196. तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया हमारा x प्लस 3 अपॉन 14 इक्वल्स टू प्लस माइनस 121. हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11 का स्क्वायर रूट होता है और 196 अभी हमने पीछे किया था 14 का स्क्वायर रूट होता है, राइट. तो ये हम सॉल्व कर लेंगे आगे. x प्लस 3 अपॉन 14 को एक बार प्लस के 11 अपॉन 14 के साथ रखा और x प्लस 3 अपॉन 14 को एक बार माइनस के 11 अपॉन 14 के साथ रखा. तो क्या आ गया देखिए, x इक्वल्स टू 11 अपॉन 14, उधर जाके माइनस का हो गया 3 अपॉन 14. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 LCM आ गया 11 माइनस 3. तो ये आ गया x इक्वल्स टू 8 अपॉन 14. और वी कैन से दैट 2 4s आर 8 एंड 2 7s आर 14, 4 अपॉन 7 आ गया. अब इसी तरीके से ये देखिए, x इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 14, माइनस का हो गया 3 अपॉन 14, उधर जाके LCM लिया तो 14 ही आया, तो ये आया माइनस का 11 माइनस का 3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 14 अपॉन 14 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1. तो हमें पता चल गया कि एक तो रूट है 4 अपॉन 7, एक है माइनस 1 इज द आंसर.